ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਕੇ ਹੋ ਸਭੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਮਾਨਵੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਸਭੀ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਆ ਹਾਸੇ ਨਰਸੂ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं इन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित कर किया है और हर महीने इसकी समीक्षा करते रहेंगे 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बुलाई है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम फिर उस स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है और जो सब दुनिया का सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं जिसको इस आंदोलन ने झुकाया है जिसको देश के किसानों ने झुकाया है और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया आज देश के सारे संगठन उनके अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे देश के किसान संगठनों के मंच पर आए हैं और आगे भी ये लड़ाई जो है अन्य मुद्दों के ऊपर क्योंकि अभी तो जो 5 जून 2020 को जिन्होंने कानून बनाए थे अभी तो वही वापस लिए हैं उसके पहले की जो स्थिति किसानों की थी वो भी अच्छी नहीं थी उसके सुधार के लिए अभी लड़ाई बाकी है और उसको कदम दर कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हर महीने जो है वो समीक्षा करके देखते रहेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या किया है और उसके बाद अगला कदम जो है वो उठाते रहेंगे तो बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है और जो हमारा आज का जो आंदोलन है वो हम यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं एक बात आप डर रहे हैं कि उसको समाप्त नहीं स्थगित कर रहे हैं और पूरे जो मुकदमे किसानों पे उनके सहयोगियों पे एनआरआई पे किसी कर्मचारी व्यापारी पत्रकार पे कोई छापा पड़ा हो शहीदों को मुआवजा ये सभी मांगे सरकार ने जो है हमारे से जो है माननीय है और उसकी हर महीने समीक्षा करने के बाद हम अगले स्टेप उठाते रहेंगे चमत्कार होंगे ने देखो अपन अखा सामने 3 घंटे च हर परेशानी का हल पाओ सत इलमां दे माहिर दिवानशु जोशी मेरे किते नूं कोई कट नहीं सकता कट्टन वाले नूं मूँह मंगया इनाम परेशानी जिवें मनचाहा प्यार पति पत्नी चनबण काले जादू का खात्मा बीमारी दवा ना लगना वशीकरण करवाओ जिसनू चाहे उसनू अपने वस च करो लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका सौतन दुश्मन नू अपनियां अखां सामने तड़फदा वेखो 7082844950